अगर इतना कम कंटेंट है तो फिर एनसीईआरटी अपना कंटेंट बढ़ा क्यों नहीं देता? अरे वो तो आप सोच लो क्या बोलेंगे आपको। चलिए तो अब हमारा है बी। तो बी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट लिपिड्स, या इसको हम लोग कंपाउंड लिपिड्स बोलेंगे। तो उसका जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? फॉस्फो लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। तो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन? टू फैटी एसिड टू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस प्लस कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल प्लस क्या? कार्बोहाइड्रेट। दैट इज मोनोसैकेराइड इनऑर्गेनिक लिपिड का। फॉस्फेट। हाँ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सर। ग्लाइकोलिपिड दादा तुम इतना एक्साइट क्यों हो? का है इतना वो। ग्लाइकोलिपिड एक्साइट मत हो। ऑलवेज स्लो एंड स्टडी विद द रेस। चलिए। तो ये आप याद रखिए। तो आपका टीचर इज अ फैट मैन, तो ही कैन नॉट रन सो फास्ट। चलिए तो दिस इज टू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस पी आई इज इक्वल टू व्हाट? फॉस्फाटिडिक एसिड। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड बट नॉट फाउंड अलोन इन ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो? बट ये क्यों हद हद ज्यादा हाँ बंद हो जाता है। पता नहीं क्या ये इसका हो रहा है। बट नॉट फ्रॉम, मैं लिख देखे थे तो शायद पीछे आता तो फिर वो होता ही नहीं है, फिर लिखना पड़ता है। बट नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। ओके ये भी क्या हो रहा है? ऑर्गेनिजम्स ठीक है। बट नॉट फाउंड अलोन माने अकेला फॉस्फेटिडिक एसिड आपको नहीं मिलेगा ठीक है। इन बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स सम और द अदर, क्या इन बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स सम और द अदर स्पेशल ग्रुप ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट। ओके इज ऑलवेज प्रेजेंट। उसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे क्या? ए तो उसमें हम लोग क्या लेंगे बोलिए? तो फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस कोलीन। ओके तो फॉस्फाटिडिक एसिड प्लस कोलीन इज क्या? फॉस्फाटिडिल कोलीन। एंड इसका कॉमन नेम क्या है? लेसिथिन लेसिथिन। ठीक है। तो लेसिथिन कहाँ मिलता है? तो इट इज ओ फाउंड सर्फेक्टेंट ऑफ लव इन क्या? एग एग योक। योक एग योक, इसलिए हम लोग एग का क्लासिफिकेशन प्लांट कैसे करते हैं बताइए? हाउ ऑन द बेसिस ऑफ डू वी, तो एलन व्हाट डू वी कॉल इट? नेक्स्ट ए वाले लेसिथल। लिसी नेक्स्ट व्हाट इज ए लेसिथल? हेलो, होता है इसमें ए लेसिथल क्या होता है? लेसिटिन ये जो नहीं होता लेसिटिन नहीं होता जिसमें योक नहीं होता है इडियट। तो नो योक दैट इज कॉल्ड ए लेसिथल। माइक्रो लेसिथल छोटा यो कम यॉक होता है लेस योक। ओके यस मेगा लेसिथल बहुत ज्यादा सर यो मोर योक और यो मोर अमाउंट ऑफ योक। और किसका एग्जांपल है बोलो? बर्ड किसका एग्जाम्पल है? अब भूल गया टैक्सोनॉमी? सर मेगा लिस्ट मेगालेसिथल। तो बर्ड इज मेगालेसिथल क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा योग होता होता है। अंडरस्टूड? चलिए यस तो सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स। तो सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स क्या है मालूम है? सो इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग।
ओके, इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, लंग्स पूरा कोलैप्स ना हो, इसलिए वो क्या है, वो आपका प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, नाउ तो ये हमारा हो गया क्या, बोलो फॉस्फो नंबर ए। नंबर बी हम लोग डिस्कस करेंगे सेम, इसको कॉपी कर लिया जाए, पेस्ट। तो इधर कोलिन के जगह पर हम लोग एमिनो इथानॉल लगाएंगे, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फेटिडिल एमिनो इथानॉल। तो इसका कॉमन नेम क्या है, सेफालिन, सेफालिन, ओके। दिस इज कॉल्ड सेफालिन, मतलब फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन सेल्स। ठीक है, उसी तरह सी हम करेंगे, तो इधर एक सेरीन एमिनो एसिड ले लेंगे, सेरीन एमिनो एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फाटिडिल सेरीन, उसका भी नाम क्या है, सेफालिन। उस तरह एक और एमिनो एसिड है, तो आप लोग का बॉटनी कौन पढ़ा रहा है, हमारे चिन्मय सर। ओके, तो आप लोग कार्डियोलिपिन क्या है जानते हो, पता है, बताइए, हेलो, अरे क्या हो गया सर, जो हार्ट के पास मिलता है, नहीं तो उसका, उसके बारे में कुछ बताया कि नहीं, आपका बैक्टीरिया खत्म हो गया ना, यस, अरे आप कार्डियोलिपिन नहीं पढ़े, वेरी गुड। ओके, तो इसमें क्या होगा, कुछ बोल नहीं रहे, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, सर यू आर नॉट ऑडिबल,
हो गया देखो, मजा आया कि नहीं साइलेंट क्लास में, बताओ। बिल्कुल मजा नहीं आया, आप खाली बोल रहे। नो सर, नो सर, अरे हाँ या ना बताओ ना, फिर साइलेंट क्या हो गए? ऐसे मजा नहीं नो आया सर, नो सर, नो सर, नहीं नहीं सर। 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 नहीं, तुम लोग साइलेंट होने से मुझे मजा आता है कि नहीं? नहीं सर, नहीं आता। नहीं नो सर, सर। नो सर। नो तो सर। क्या किया जाए बोलो। हम लोग बात करेंगे सर। ये सर दोनों बात करेंगे। सर, हाँ सर। तो इसीलिए जब मुझे दुख होता है तो फिर मेरा दुख का क्या किया जाए बताओ। वैसे अभी कल से तो आपको साइलेंट ही रहना है, क्योंकि अब तो फिजिकल क्लास में तो बोलना अलाउड नहीं होता ना, तो उसको पनिशमेंट मिलता है, तो इसलिए अब आपको साइलेंट ही रहना पड़ेगा। क्यों सर? और क्या, उधर फिजिकल क्लास में बात करोगे तो नील डाउन होगे बाहर। एंड जेजेस इज द ओनली टीचर हु गिव्स नील पनिशमेंट, समझे कि नहीं? तो इन माई क्लास पनिशमेंट इज अलाउड, क्योंकि पनिशमेंट इज अ बायोलॉजिकल एक्सरसाइज। वो तो मैंने आपको वीडियो एविडेंस भी भेज दिया कि नहीं? हाँ सर, चलिए, यस सर, तो अभी आप ये स्क्रीन देख रहे हैं। यस सर, यस सर। तो अगर स्पेशल ग्रुप आपका कुछ नहीं होता है या सिंपल हाइड्रोजन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फेटिडिक एसिड। अगर इथेनॉल यस अमाइन है तो फॉस्फेटिडिल अमीनो इथेनॉल, इसको सेफलिन कहते हैं। ये लेसिथिन है, ये सेरीन है। अगर इनोसिटॉल आ गया तो फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, अगर ग्लिसरॉल आ गया तो फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। अगर फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल आ गया जो हमने अभी बनाया, सो दैट इज कॉल्ड कार्डियोलिपिन या डाई फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। इधर फॉस्फोलिपिड, उधर फॉस्फोलिपिड, बीच में क्या आ गया? दैट इज व्हाट, ग्लिसरॉल। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया, इसमें हमने क्या बनाया? तो ये एक फॉस्फोलिपिड है, दिस इज वन फॉस्फोलिपिड, ओके, दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड, एंड ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। तो इसीलिए दिस इज द केस। तो ये आपका हो गया डाई फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोलिपिड। अब आप देखो कि आपका एक साइड से केवीपीआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया। तो कैसे केवीपीआई होगा स्पेशल क्लास करने से, बताइए? नो सर, क्योंकि आप तो ये पढ़े ही नहीं। कल आपका इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेंगे दैट हाउ विल यू प्रूव दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज ए बैक्टीरिया, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपके पास एक उत्तर तो छूट गया ना, तो ये एक पॉइंट आपका कम हो गया। कार्डियोलिपिन। और माया, तो इसलिए हाँ बैक्टीरिया सर, में कार्डियोलिपिन पढ़ना अनिवार्य है, ओके? अगर आप मेरा बैक्टीरिया लेक्चर्स देखोगे उसमें ये वर्ड होगा, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड्स हो गया खत्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो उस फॉस्फोलिपिड में भी अगर आप ध्यान दो तो इसमें क्या होता है? इफ यू सी हियर, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? तो दिस होल पार्ट
is what? This whole part is hydrophilic. समझ रहे हो ना? तो ये दोनों पार्ट, ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ओके? बट ये जो छोटा छोटा पार्ट्स है, ओके? दिस छोटा छोटा जो पार्ट है आर वन एंड आर टू, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, ओके? इसीलिए जब आप छोटे क्लास में थे, आपका टीचर आपको एक ड्राइंग दिखाता था, कौन सा ड्राइंग बोलो? ऐसे एंड ऐसे, तो ये ड्राइंग आपने कहाँ देखा था? तो बोलिए, सो दिस इज ए व्हाट? पोलर हेड एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज लिपोफोबिक, है कि नहीं? तो आप ड्राइंग देखे हो कि नहीं कभी जिंदगी में? बोलो। yes. तो ये जो है नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक एंड लिपोफिलिक, समझ रहे हो? तो इसीलिए yes, इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए था अभी ऑलरेडी। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? लव्स बोथ, ओके? तो क्या इसका मीनिंग है लव्स बोथ? हेड लव्स किसको? वाटर एंड टेल लव्स फैट्स, लिपिड्स, फैट्स। इसी का एक रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीपैथी, मतलब हेड्स बोथ, मतलब हेड हेड आइल एंड टेल हेड्स वाटर, समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाई दिस ड्राइंग, अब देखो वो जो टीचर आपका बनाता था दो ही टेल बनाता था, क्यों भाई? बनाने को 20 टेल बना दो, बट व्हाई ही वाज मेकिंग ओनली टू टेल्स? बिकॉज़ फॉस्फोलिपिड हैव टू टेल्स। सुनिए, जो आपका टीचर ने वो ड्राइंग बनाया था वो तो बुक में दिया है इसलिए बनाया था, बट अगर बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे तभी समझोगे कि बुक ने दो गोल दो टेल क्यों बनाया। बोलो, तो बुक ने दो टेल बनाया बिकॉज उसमें दो टेल ही है। So this is the diagram of what? Phospholipids. इसको हम लोग शॉर्टकट में PL बोलेंगे। एक्चुअली आप तो मेरे से मेम्ब्रेन पढ़ोगे नहीं ना, तो इससे जरूरत नहीं पड़ता है, वरना मेम्ब्रेन में बहुत पढ़ना पड़ता है ना इसके बारे में। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, आया समझ? तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ लाइफ। कैन यू टेल व्हाई? This is called basis of life. Tell me, because ये सब आपको doubts आएगा, आपका सर शुरू हुआ कि नहीं? हाँ बोलो। Yes sir. Yes sir. तो membrane हो गया? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो luckily, तो वो अगर ये पढ़ लोगे तो अच्छा मदद भी मिलेगा। बताइए, तो actually why it is called the basis of life? क्या कारण है उसको बेसिस ऑफ लाइफ कहना? गेस करो, ये सब आप लोअर क्लास में भी पढ़ पढ़ के आए हो ना, तब पे गेस तो हो जाना चाहिए ना इसको बेसिस ऑफ लाइफ। इसकी वजह से हम लोग अलग अलग कंडीशंस में रह पाते हैं। और सोचो सर, जो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना होता है तो क्या हुआ, क्या उसको बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? हाँ सर, ये एक चीज हो सकता है कि ये जो पोलर हेड की वजह से जो वाटर वाले चीजें होती है वो अंदर आ सकते हैं, तेल की वजह से जो फैट वाले। नो सर, बिकॉज सेमी परमेबिलिटी मिलता है इससे सेल को।
तुम कौन है बे? अरे हु आर यू सर? कौन है तू? सर रोशन। रोशन कौन है? अरे रोशन कौन है? सर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। अबे हु आर यू? अब सर, मैं एक खींच के झापड़ मारा रोशन को तो रोशन रो रहा है। क्यों रो रहा है वो? उसको दर्द हुआ। दर्द हो रहा है उसको? क्या दर्द हुआ? मैं तो हाथ में, मैं तो हवा में हाथ हिला रहा था बे। मैं हवा में हाथ हिला रहा था, उसको क्या रो रहा है वो? बोलो, जब मैं हवा में हाथ हिला रहा था तो वो क्यों रोया? उसको क्यों लगा? मैं तो हवा में हाथ घुमा रहा था ना, तो उसको कैसे लग गया? सर गलती से वो बीच में आ गया। कौन आ गया? रोशन। क्यों? मुझे क्यों नहीं दिखा? तो समझ में आया बेवकूफ? तो तुम हो कौन? तुम हो कलेक्शन ऑफ सेल। सेल है कौन? समझ आया? तो जब दुनिया बना तब सेल था? नहीं था। तो फिर तुमने कैसे बोल दिया कि सेल कुछ है? तुमने कैसे बोल दिया रोशन एक चिड़िया का नाम है? हैं? चलो, मैं तो हवा में हाथ हिला रहा था तो वो क्या रो रहा है? तो क्योंकि उसका गाल में लगा है, तो वो उसका गाल है। क्या एविडेंस है? समझ रहे हो ना? वाई इज ही नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम? वाई ही इज एन इंडिविजुअल? क्योंकि वो उसका चमड़ी है उधर, समझ रहे हो? तो उसका स्किन है कि नहीं? तो उसका स्किन के अंदर जो है वो कौन है? रोशन। तो उसके स्किन के बाहर जो हवा है वो कौन है? यूनिवर्स, इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट। तो समझ रहे हो? तो मैं जब हवा में हाथ हिला रहा था उसके चमड़ी में लग गया। तो क्यों लग गया? क्योंकि वो वहां था। तो समझ में आया? तो जो पूरा दुनिया में पानी था, तो फिर तुम उसको सेल कैसे बोल दिए? बताइए, हाउ डिड यू कॉल इट अ सेल? बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड। समझ रहे हो? अब उदित जो है वो सौरदीप का नेबर है, पास पास रहते हैं। उदित हर दिन आके सुबह सौरदीप के घर में हग देता है। क्यों भाई? क्यों उदित, तुम उसका घर में क्यों हगता है? हर दिन सौरदीप लड़ाई करता है, रोता है, चिल्लाता है मेरे को आके कि सर ये अभद्र है, मेरे घर में आके टट्टी करता है। पर उदित बोलता है नहीं सर, वो तो मो घर झाड़ा फेर ली। तो क्यों वो लड़ रहे हैं? वाई आर दे अनश्योर कि वो घर किसका है? उसका कोई बाउंड्री नहीं है। तो जब डेफिनाइट बाउंड्री नहीं है सौरदीप, हाउ आर यू टेलिंग इट इज योर प्रॉपर्टी? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो उदिति का है? बट सौरदीप बोल रहा है नहीं सर मेरा है। तो बेटा बना दे बाउंड्री। तो जब वो बाउंड्री बनाएगा, अब उदित को पता चल गया कि दीवार के उस तरफ वाला घर किसका है? सौरदीप का है। दीवार के इस तरफ वाला घर किसका है? उसका है। तो वो टट्टी किस तरफ करेगा? उस तरफ ना अपने तरफ? अपने अपने तरफ। समझ में आया? तो इसीलिए जब तक कोई लिमिट हो, अब ये क्या है बोलो? ये यूनिवर्स फ्री स्पेस। दिस इज यूनिवर्स। तेरा बेवकूफ अभी गाली खाने वाला था। अबे ये समुद्र है,
सो दिस इज ए समुद्र. तो अब समुद्र में क्या किया हमने, एक पार्ट ऑफ द समुद्र को अपने अंडर ले लिए. ओके सो नाउ व्हाट डिड वी डू, वी रैप्ड इट. तो अब जो हमने इसको लपेट दिया तो ये क्या है, ये है फॉस्फोलिपिड. जब फॉस्फोलिपिड हमने लपेट दिया तो अंदर वाला लेयर किसका है, सेल का, समझ रहे हो, एंड बाहर वाला किसका है, एनवायरमेंट, यूनिवर्स, उसको यूनिवर्स बोला जाता है. तो समझ में आया. अब सेल का कौन है, तो व्हाट एवर इज इनसाइड द सेल वो किसका है, वो है सेल का. तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया किसका है, वो सेल का दुनिया है. उसके बाहर उसका प्रॉपर्टी नहीं है, कोई शक. नो सर. अब इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना. आपको ये फॉस्फोलिपिड अरेंज करना है. ओके तो ये एक गारंटेड INBO IBO क्वेश्चन है. सोचो आप लोग तो उस रेंज का पढ़ भी नहीं रहे हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट को तो उस तरह पढ़ना पड़ेगा ना. फिर भी मैं तो कराता हूँ, इसलिए मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा. तो अब सपोज हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे. तो नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड दिस कम्स इन INBO IBO लेवल, ये याद रखना. तो क्या करना है भैया हमें, कुछ नहीं करना है आपको. तो अरेंज द फॉस्फोलिपिड इन सच ए मैनर दैट, समझ रहे हो. तो आपको क्या करना है, फॉस्फोलिपिड को ऐसे अरेंज करना है जैसे नंबर ए. ओके इट नंबर ए टू स्टोर वाटर इन वाटर, नंबर बी टू स्टोर ऑयल इन ऑयल, नंबर सी टू स्टोर वाटर इन ऑयल. अगर दादा याद है आपको, ये मैंने आपको 9th क्लास में भी कराया था, टू स्टोर ऑयल इन वाटर. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो ना. पानी को पानी में रखना है अलग, अरेंज इन अ मैनर दैट टू स्टोर वाटर इन वाटर. ओके अलग से ऑयल इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इससे करोगे. तो कैसे करोगे बताओ, हाउ विल यू नॉन पोलर टेल लगा देंगे. तो सुनिए, तो आप कैसे लगाओगे बोलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कितना लेयर बनाएंगे, मोनो लेयर ना बाई लेयर. इसको आपको लगाना है ऐसा कि दोनों तरफ अंदर भी पानी, देखो इधर क्या है, अंदर भी पानी एंड बाहर भी पानी, ऐसे आपको लगाना है. तो मोनो लेयर से होगा ना नहीं होगा, तो बाई लेयर. तो आप क्या करेंगे, आप लिपिड बाई लेयर लगाएंगे, बाई लेयर है कि नहीं. तो यू विल पुट ए लिपिड बाई लेयर, हाउ, कैसे बताइए. अब आप डिफाइन करो ना, आप तो जानते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड, इसको हम लोग क्या कहते हैं टेल. तो आप कैसे अरेंज करेंगे, जल्दी बोलो, बंद हो जाएगा टाइम हो रहा है. तो टेल बाहर की तरफ, हेड अंदर की तरफ. सोचो सोचो सोचो, हाउ विल यू पुट दिस. सर दोनों तरफ टेल रखेंगे, बाहर और अंदर. अब टेल अगर बाहर रखेगा तो वो तो हाइड्रोफोबिक है ना. सर अगर हम लोग हेड टेल, टेल हेड रखेंगे. वेरी गुड. सो दिस इज वही कह रहा था, कदा एक चापड़ मार दूंगा, वही कह रहा था. हेड फेसेस व्हाट, हेड ऑफ ईच लेयर
फेसेस क्या, फेसेस वाटर एंड टेल, फेसेस ईच अदर। समझ आया? मैं तो यही कह रहा था, क्यों तू तमिल में बोल रहा था मेरे को, हैं इडियट। समझ आया कि नहीं? तो अब चलो, अब हम लोग जो कटेगा फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, करेंगे। मैंने सेव कर दिया, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन।